हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ टैंगी टमाटो पोहा, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और रोज रोज अगर आप एक ही नाश्ता बनाकर बोर हो गए हो, टमाटो पोहा की रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। पोहा तो आपने रोज रोज बहुत टाइप्स के बनाए होंगे, कांदा पोहा नॉर्मल जो सिंपल बनाते हैं उस टाइप का, बट जो आज मैं बनाने वाली हूँ वो बिल्कुल अलग है। और इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो मैंने पोहा लिया है, तो शिमला मिर्च ली है बारीक कटी हुई, प्याज लंबे कटे हुए, मूंगफली और ये ग्रीन चिल्ली कटी हुई, हरी मिर्च, और ये मैंने टमाटर लिए हैं। तो टमाटर इसमें जरूर जाएंगे, ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि टमाटो पोहा है। तो टमाटो का जो टैंगी टेस्ट है वो बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे या कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद इसे थोड़ा गर्म करेंगे। ऑयल में हम ऐड करेंगे एक चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों, राई, और राई डालने के बाद जीरा ऐड करेंगे। जीरा डालने के बाद इसमें जाएगा करी लीव्स, ये मेरी ड्राई की हुई करी लीव्स है, तो आप फ्रेश करी लीव्स का भी यूज कर सकते हैं। इसमें जाएगा मूंगफली, मूंगफली से पोहा का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही टेस्ट अमेजिंग लगता है। और इसे थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद इसमें जाएगा लंबे कटे प्याज, प्याज से भी जैसे ये सब डालते हैं ना तो पोहा का जो टेस्ट है ना बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो अब इसमें जैसे प्याज थोड़ा सा भून लेंगे, प्याज भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च कटी हुई, शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ग्रीन चिली कटी हुई ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक इसे भून लेंगे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जैसे नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, धनिया पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आएगा इसका मेन इंग्रेडिएंट यानी टमाटर। तो टमाटर आप ढेर सारे डाल सकते हैं, 3-4 टमाटर कट करके इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि टमाटर का टेस्ट है ना पोहा में बहुत ही अच्छा लगता है। और पोहा को अब धो लेते हैं। ये पोहा मैंने अच्छी तरह से जैसे धो लिया था, पानी निकाल दिया था, 1-2 पानी हम निकाल देंगे। अब इस धुले हुए पोहा को जो हमने सब्जी बना रहे थे उसी में डाल देंगे। सब्जी अब पक चुकी है तो ज़्यादा जैसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोहा में क्रंची टेस्ट अच्छा लगता है सब्जियों का। तो अब इसमें जैसे धुले हुए पोहा हम डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये देखिए मिक्स करने के बाद जो हमारा टेंगी सा टोमेटो पोहा बिल्कुल रेडी है। तो अब इसमें जाएगा टोमेटो केचप। तो टोमेटो केचप आपको जितना आपको टेस्ट अच्छा लगता है टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने लगभग आधी कटोरी मतलब टोमेटो केचप डाला है, तो आपको जैसे टेस्ट अच्छा लगता है उस अकॉर्डिंग इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए जो टैंगी सा टोमेटो पोहा अब बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो सुबह सुबह जैसे नया नया नाश्ता खाने को मिल जाएगा अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई कर लिया। अब ये देखिए मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, बहुत ही जल्दी बन जाता है ये, और ये देखिए दिखने में भी अच्छा लग रहा है, खाने में भी अच्छा है। तो अब इसे सर्व करते हैं। तो सर्व करने के लिए मैंने प्लेट में टमाटो स्लाइस लगा दी है और अब पोहा को डाल देंगे। अगर आप एक ही नाश्ता खाकर बोर हो गई हों और कुछ नया सा खाने को आपका मन कर रहा है तो इसे ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। क्योंकि कांदा पोहा या सिंपल पोहा या बहुत सारी पोहा की रेसिपीज़ आप ट्राई कर चुके हो, टमाटो पोहा तो इसको ज़रूर ट्राई करिए। ये मैं डाल रही हूँ इसमें जो नॉर्मल सी जो बेसन की सेव आती हैं भुजिया, वो डाल रही हूँ। इस जो पोहा है ना उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये जो हमारा पोहा है बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।